2, 1. इंडिपेंडेंट उर्दू के फेसबुक लाइव के साथ मैं हूँ जलेबिया नैना और मेरे साथ मौजूद है इस वक्त कामरान नैना। कामरान ने चीन में स्कॉलरशिप पे जाके पढ़ाई की और अब वो चीन ही की नेशनल सेंटर फॉर नैनो साइंस और टेक्नोलॉजी में स्पेशल रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम कर रहे हैं और साथ ही यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल इंग्लैंड में विजिटिंग रिसर्चर भी हैं। इस वक्त वो काम कर रहे हैं। तो कामरान को हमने मधु की अपने फेसबुक लाइव में हमसे ये जानेंगे कि जो पाकिस्तानी तलबा स्कॉलरशिप या फेलोशिप पर चाइना जाना चाहते हैं तो उनके लिए उन्हें क्या करना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चंस करूंगी कुछ जो मेरे जहन में और कुछ हमें क्वेश्चंस मौजूद भी हुए हैं। सो सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे ये करूंगी कि अगर चीन में स्कॉलरशिप या फेलोशिप के लिए कोई तलबा अप्लाई करना चाहे पाकिस्तानी, उसके लिए पहला तरीका क्या है, यानी कि वो कौन सी वेबसाइट है जहाँ जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में मालूम हासिल की जा सकती है, या उन वेबसाइट्स के अलावा कौन कोई तरीका है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो इंडिपेंडेंट की टीम का जो है स्पेशली आप मुझे मौका मिला स्टूडेंट से चले गाइडेंस हो जाएगी। जहाँ तक रही एप्लीकेशन प्रोसेस की बात और वेबसाइट की, तो कुछ तो ऑफिशियल वेबसाइट्स जैसे चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है कैंपस चाइना डॉट ओ आर जी के नाम से, तो उधर बड़ी डिटेल इन्फॉर्मेशन है कि कैसे आपको अप्लाई करना है, फिर कहाँ कहाँ पे अगर टीम और जाना है तो उन्होंने लिंक्स दिया हुआ है कि और वेबसाइट की जरूरत है। इसी तरह मानसू स्कॉलरशिप है चाइना में बहुत फेमस है, उसकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस तरह उन्होंने भी मेंशन किया हुआ है कि कैसे अप्लाई करना है और अगर और कोई लिंक्स जरूरत है तो वहाँ पर भी आप जा सकें। फिर इस तरह फेसबुक ग्रुप से आपको मिलेंगे स्टूडेंट्स के चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के नाम से, उसमें भी जो स्टूडेंट ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं चाइना की यूनिवर्सिटीज में वो वॉलंटियरली हेल्प करते रहते हैं स्टूडेंट की स्कॉलरशिप लेटर जैसे स्कॉलरशिप काउंसलिंग कैफे ये सारे, उधर से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि प्रोसेस क्या है, कैसे अप्लाई करते हैं, ये सारी चीजें आपको मिल सकती है वहाँ से। अच्छा कामरान, मुझे ये आप बताएं कि चीन की यूनिवर्सिटियों में ज्यादातर किन शोबों में पाकिस्तानी तलबा अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए और उन्हें लाइक चीन जो है वो प्रेफर करता है उन शोबों में ज्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, और ये भी बताया कि क्या ये स्कॉलरशिप फुली फंडेड होती है, लाइक सारा पैसा चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट से आता है या तलबा को अपनी जेब से भी कुछ लगाना पड़ता है? अच्छा, चीन की जो स्कॉलरशिप की बड़ी अच्छी बात यह है कि खर्चा न होने के बराबर इनके जो स्कॉलरशिप हैं ये टाइप ऑफ स्कॉलरशिप पर भी डिपेंड करता है, लेकिन ज्यादातर स्कॉलरशिप फुली फंडेड है और इवन के बहुत सारी जगह पे कोई एप्लीकेशन फी भी नहीं है, नामी भी बहुत ही हर जगह। फिर अगर आप यूरोप या यूएसए जाना चाहते हैं तो आपको आईएस देना पड़ेगा, जीआरई देना पड़ेगा, उस पर अलग से खर्चा होता है, तो ऐसा कोई प्रोसेस चीन में नहीं है। तो एप्लीकेशन प्रोसेस यूँ समझें कि ऑलमोस्ट फ्री है, आपको आपको कोई खर्चा नहीं होगा, आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। फिर स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात है वो ऑलमोस्ट फुली फंडेड है, जो मेजर स्कॉलरशिप है जैसे आंसू है, सी एस सी है, इसी तरह बेल्ट एंड रोड स्कॉलरशिप है, फिर रेजिडेंशियल स्कॉलरशिप बहुत सारे जगहों पर, लेकिन फिर पार्शियल स्कॉलरशिप भी हैं। तो जो पार्शियल स्कॉलरशिप हैं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन में बाद जगह तो भी पार्शियल स्कॉलरशिप में भी स्टाइपेंड साथ मिलता है, लेकिन बाद जगह पर ये होता है कि वो ट्यूशन की वो रिलैक्स करते हैं, वो आपको रिहाइश का जो खर्चा है वो सारा आपको उससे करना होता है। तो ये कुछ डिपेंड करता है कि कौन सी स्कॉलरशिप है और उधर आपको हो सकता है खर्चा करना। जहाँ तक सब्जेक्ट की बात है, मैं ये समझता हूँ कि जो अप्लाइड साइंसेज हैं वो चाइना में समझ लें कि हमारा फेवरेट टॉपिक है और इसमें बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप मिलती है, वहाँ पे जाना भी चाहिए इसलिए कि टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा वो लोग काम कर रहे हैं, वो बड़े बेहतरीन रिसर्च लैब्स और इन्वेस्टिगेशन के लिए जो हमें मशीन चाहिए होती हैं एनालिसिस के लिए, वो सारी चीज़ें बड़ी अच्छी डेवलप है, तो उस पर तो स्कॉलरशिप भी बहुत ज़्यादा मिलती हैं। और मैं यही कहता हूँ साइंसिस के स्टूडेंट को प्रेफर भी करना चाहिए वहाँ चले जाए, बड़ा बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है। फिर एक और चीज़ जो मुझे बहुत फैसिनेट करती है वो ये कि बिल्कुल स्टार्ट से ही फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग का जो इवन के ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो 15-15-20-20 करोड़ पे गए, तो वो हम पाकिस्तान में शायद पूरे पाकिस्तान में कोई एक हो या आधा भी, वो वहाँ पर भी स्टूडेंट को बिल्कुल वो क्या कहते हैं फुल एक्सेस देते हैं और आप जाएंगे पाकिस्तान, तो ये ट्रेनिंग के और मिलना मुझे लगता है कि काफ़ी मुश्किल है। इतनी फ्रीडम सोशल साइंसेज के लोगों को भी मिलती है, वो भी अगेन ये है कि काफ़ी कुछ तो डिपार्टमेंट ऐसे हैं जैसे साइकोलॉजी है, जैसे लॉ हो गया, इसी तरह एजुकेशन हो गया, फिर इसी तरह जो लैंग्वेज है चाइनीज लैंग्वेज उस पर बहुत लोग जाते हैं, उसमें भी स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा मिलती है। इस तरह कुछ जो उनके अपने सोशलिस्ट एस्पेक्ट्स हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो से वो उस पर भी काफ़ी सारे प्रोग्राम करते हैं, उस पर
उन डिपार्टमेंट्स में मिलती है, लेकिन बहुत ज्यादा तादाद ज्यादातर अप्लाइड साइंस और बेटा खुद भी इसी फील्ड में रहे हैं। अच्छा चले आपने चाइनीज जबान की बात की, तो मैं इस हवाले से भी क्वेश्चन कर रही हूँ कि चीन जाने वाले जो तलबा हैं उनको लाइक चीनी जबान भी सीखना जरूरी है, लाइक उनको जिस सब्जेक्ट में वो मास्टर या पीएचडी करने जा रहे हैं उसके साथ उन्हें चीनी जबान भी सिखाई जाती है या उन्हें पहले से सीख के जानी पड़ती है? नॉर्मली ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आप ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में बगैर चीनी जबान का घर जाने अप्लाई कर सकते हैं। मोस्टली इंग्लिश का प्रोग्राम होते हैं, बच्चों को यूनिवर्सिटी पूछती भी है या वेबसाइट पर भी इन्फॉर्मेशन भी होती है कि आपका प्रोग्राम इंग्लिश स्टार्ट है या चाइनीज स्टार्ट है, तो इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम होते हैं, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज में उनकी तादाद भी ज्यादा नहीं होगी, वो 5-6 यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम है, फिर वो आपसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं या तो आप बचेस के 4-5 का सर्टिफिकेट जमा करवाएं या फिर ड्यूरिंग दी डिग्री आप सर्टिफिकेट जमा करवाएं, तो दोनों सूत्रों में यह है कि आपको डिग्री वहां से मिल जाएगी। और फिर जब आप यहां से जाते हैं तो चाहे आपका इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम है या चाहे आपका चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम है, जिस मर्जी लैंग्वेज में 6 महीने का तो ऑलमोस्ट कंपलसरी वो कोर्स होता है सारे स्टूडेंट के लिए, वो खुद करवाते हैं यूनिवर्सिटी वाले चाइनीज लैंग्वेज है। उसे इतना होता है कि आप बाजार में जाके शॉपिंग कर लें, किसी से कोई जो जनरल डिस्कशन होती है हम गुफ्तगू की, ये चीजें आप समझ लें, रास्ता पूछें, इस तरह की चीज, तो लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है। तो वो यूनिवर्सिटी वाले हाँ, यानी कि वो जो यूनिवर्सिटी में जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है जी, वो खुद की सर्टिफिकेट आपको बेसिक लैंग्वेज, ठीक है। अच्छा ये तो चलो चाइनीज लैंग्वेज का हो गया, लेकिन अंग्रेजी जबान भी कितनी जरूरी है? लाइक अगर कोई पाकिस्तानी तलबा जा रहे हैं उनकी अंग्रेजी अच्छी नहीं है या अच्छी है भी, और उनको अगर वो आईएलटीएस वगैरह टेस्ट या इस किस्म की किसी और टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है? पीकिंग यूनिवर्सिटी में जो उनकी टॉप यूनिवर्सिटीज में से एक है, तो उन्होंने अब ये स्ट्रिक्टली रिकमेंड किया कि आज होना चाहिए तो वरना में एडमिशन नहीं लेंगे। बाकी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है आपको वेबसाइट पे मिलेगा कि आईएलटीएस चाहिए, लेकिन उसकी जगह अगर आप उनको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दें, जिस प्रीवियस यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री की उनसे आप ये लिखवा लें कि आपकी डिग्री और मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन इंग्लिश में था, तो इससे काम चल जाता है, वो स्ट्रिक्ट नहीं है इसमें। इंग्लिश अच्छा होना बहुत जरूरी है, इसलिए कि या तो आप वहाँ चाइनीज पे रिसर्च करेंगे जो भी आप करेंगे या इंग्लिश में करेंगे, फिर आपको पेपर लिखने पड़ते हैं, आपको जाके प्रेजेंट करना पड़ता है अपना काम, फिर कम्युनिकेशन जब होती है टीचर्स के साथ स्टूडेंट के साथ, तो वो भी अगर आप इंग्लिश का प्रोग्राम है तो इंग्लिश में हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंग्लिश बात अच्छी करें। मैं तो बड़ा पाकिस्तान को कहता हूँ कम्युनिकेशन पब्लिक तो चले। अच्छा मुझे आप ये बताएं, अभी आपने दो नाम दिए लाइक चाइनीज डॉट और इंग्लिश डॉट, जी इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? चाइनीज डॉट में ये कि जो सिलेबस आप पढ़ेंगे जो कोर्सेज पढ़ेंगे वो सारे चाइनीज में होंगे, उसके बाद अगर आप थीसिस लिखेंगे तो थीसिस भी चाइनीज में होगा, और इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में कोर्सेज और सिलेबस ये सारी चीजें इंग्लिश में, और फिर थीसिस भी आप इंग्लिश में। पाकिस्तानी मोस्टली वो इंग्लिश चाइनीज डॉट में भी जाते हैं, और उसमें भी ये है कि बहुत सारी कुछ यूनिवर्सिटी तो स्ट्रिक्ट है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जैसे भी फाइन, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे हैं कि इवन कि आप चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में एडमिट हैं लेकिन फिर भी वो आपको अलाउ करते हैं कि आप कोर्स ऑफ इंग्लिश स्टार्ट प्रोग्राम में जाके ले लें, इंग्लिश लैंग्वेज में कोर्स ऑफ लेंगे, और जब थीसिस लिखना होता है तो थीसिस आप इंग्लिश में लिखते हैं, वो आपको ट्रांसलेट करवा के दे फ्लेक्सिबल। हाँ जी काफी वो इन्फॉर्मेशन जो जब आप अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट करें, अगर किसी की एप्लीकेशन में यूनिवर्सिटी ने कहा कि भाई हम आपको चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम में दे रहे हैं एडमिशन, तो आप जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उससे बात कर लें कि आपकी क्या कंडीशंस हैं चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम की, वो बता देते हैं, ठीक है। तो बहुत ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं वो इवन के चाइनीज बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं आते थे लेकिन फिर भी चाइनीज स्टार्ट प्रोग्राम से वो कर लेते हैं। अच्छा ये तो थोड़ी टेक्निकल बात होगी, मुझे बताएं कि चीन का मयारी तालीम कैसा है, तालीम का तरीका मयारी तालीम, और सबसे बड़ी बात अगर पाकिस्तानी तलबा वहां जाते हैं तो उनको लाइक वहां का रहन सहन और उसके साथ मुताबिक करनी उस सारे सिलसिले में कितनी मुश्किल, कितनी हद तक मुश्किल आती है? एक चीज तो जो भी चीन जाने की ख्वाहिशमंद वो ये अच्छी तरह से देख लें कि वहां पे जो लाइफ है या जो स्टडीज है वो रिसर्च बेस्ड है, तो आपने रिसर्च करनी है पहले दिन से जिस दिन आप जाएंगे, इसलिए जो वो स्टूडेंट जिनका कोई पीछे रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है तो वो तो बड़े सक्सेसफुल रहते हैं, बड़ा अच्छा उनको वो मिलता है, लेकिन जो जिनको बिल्कुल रिसर्च का पता नहीं होता तो एक तो उनकी सिलेक्शन में भी काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि प्रोफेसर इंटरव्यूज वगैरह बात ज्यादा ले रहे थे, तो इसलिए अगर कोई रिसर्च का एक्सपीरियंस हो तो वहां पर लाइफ इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, आपकी बड़ी इजी होती है, लेकिन अगर रिसर्च का एक्सपीरियंस आपका पहले नहीं है तो फिर वहां पर थोड़ी सी, और दूसरी चीज ये ध्यान में रखें कि वो काम लेते हैं और फिर दबा के काम लेते हैं,
तो हमारे ये ट्रेंड है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है चीन जाने वाले वो तो घूमते फिरते रहते हैं, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ होते हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। हम तो सुबह 8 बजे जाते थे, रात 11-12 बजे लैब से निकलते हैं, इतना वो रिसर्च पे बहुत फोकस है। तो ये एक स्ट्रेस होती है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट मोस्टली फेस नहीं कर पाते, और ये भी जहन में रखें कि वहाँ इस तरह की लाइफ होगी। बाकी वीकेंड पे जब छुट्टी होती है घूमने फिरने करता जाता है, आउटिंग भी कर लेते हैं, नॉर्मली लाइफ बहुत अच्छी है, फैसिलिटीज बहुत जबरदस्त है, फिर आपको पैसे भी मिल रहे होते हैं, अच्छे खासे पैसे मिल रहे होते हैं, कोई मसला भी नहीं होता। मुसलमान का दबाव अगर हलाल खाना मिलता है, आप चाहे तो खुद बना लें, जाके अपनी मर्जी से जबा करें, फार्म हाउसेज आपको मिलेंगे, वहाँ बकरे जबा करें, मुर्गियाँ जबा करें, चाहे तो हलाल वाला जो गोश्त आपको मिलता है टाइम लगा तो उसको आप वो ले लें, अपना खुद बनाए, फिर हलाल रेस्टोरेंट आपको हर बड़े शहर में बहुत ज्यादा मिलेंगे आपको। तो बल्कि मैंने देखा आप चीनी भी पसंद करते हैं, कहते हैं ये बड़ा अच्छा गोश्त होता है हलाल, जो हमारे दोस्त है हमारे साथ, तो वहाँ पे आप बहुत जगह मिले। अच्छा अब ये है कि मेरे पास दो सवाल हैं आपके जिनको मैं एक साथ क्लब कर रही हूँ। अच्छा एक तो ये है कि एक सवाल हमने इसी में किया था कि क्या लोग जो है हमारे यहाँ तलबा जो है वो मोस्टली अमेरिका यूरोप या इसी तरह की मतलब बेजिंग जाके स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं, तो क्या आप समझते हैं और जैसे आप खुद भी पढ़ रहे हैं वहां पर रिसर्च स्कॉलर के तौर पर, तो क्या चीन का तालीमी निज़ाम इतना प्रोग्रेसिव है और अमरीकी निज़ाम से बेहतर है, लाइक कि हमें अमरीका एंड ऑल बहुत सारी स्कॉलरशिप वगैरह छोड़ के यहाँ भी फोकस करना चाहिए, और दूसरी बात ये कि वो तलबा जो वाकई में स्कॉलरशिप हासिल करना चाह रहे हैं उस प्रोसेस से गुजर रहे हैं उनको कोई फाइनल टिप्स या फिर वो तो बीच में आप दे भी चुके हैं लेकिन अगर कुछ और आप देना चाहें। जहाँ तक कंपेरिजन की बात है मैं ये कहूँगा कि दोनों जो सिस्टम हैं उनकी अपनी अपनी खूबियाँ और अपनी अपनी कुछ खामियाँ हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप यूएस की बात करें तो वो वेल डेवलप्ड है और वो फंडामेंटल या जो बेसिक साइंसेज होते हैं उस पर बड़ी जो बेसिक रिसर्च होती है उस पर बहुत जरूरत है। चाइना में ऐसा कि अप्लाइड साइंसेज पे जैसे जो भी चीज़ें मार्केट में टेक्नोलॉजी की आ रही है उस पर बड़ा जोर होता है, चूंकि इससे फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी होते हैं कंट्री के और लोगों से, तो अप्लाइड साइंसेज पे यहाँ बड़ा अच्छा काम होता है, फिर टेक्नोलॉजी वगैरह पर बड़ा अच्छा काम। तो ये तो ये कहना अब चाइना स्टिल इज डेवलपिंग कंट्री अभी तक हम नहीं कह सकते वेल, और यूएस का सिस्टम है बहुत एज ओल्ड सिस्टम है, अगर यहाँ पे इन्होंने अभी 2000 से चीजें जाके ओपन करना शुरू की तो लर्निंग वाला एक फेज चल रहा है। लेकिन दो चीजें मैं अक्सर स्टूडेंट को कहता हूँ, ये कि जब आप पीएचडी लेवल पे आ जाते हैं तो चाहे आप मरीज पे चले जाएं, रिसर्च आपने खुद करनी है, वो आप यूएस में जाएंगे, यूके में जाए, मेरा हूँ चाइना में रहे, जहाँ मर्जी रहे, वहां पे ये होता है कि वो आपको कहते हैं ठीक है आप अपना प्रोजेक्ट डेवलप करें और आप उनको प्रपोजल देके आए, ये हमारी लैब है हम आपको पैसे देंगे। प्रोफेसर लिटरली ये बात कहता है आपको प्रॉब्लम लेके जाए, सुपरवाइजर ये कहेंगे कि भाई इस बात में प्रॉब्लम है क्योंकि ये आपका थीसिस है, ये आपका काम है आप करें, हाँ आपको पैसे चाहिए तो मुझे बताएं, आपको कोई मशीन कोई इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा, ये सारा काम आपको खुद करना है। तो जो स्टूडेंट इंडिपेंडेंट काम करने की आदि होती है वो चाहे यूएस में रहे चाहे चाइना में, बड़ा अच्छा परफॉर्म है। और कुछ मसला जो टिप्स स्पेशली चाइना जो लोग जाना चाहते हैं, मैं अगेन ही कहूंगा कि कोशिश ये करें कुछ रिसर्च का एक्सपीरियंस आपको प्रीवियस चाहे वो फाइनल ईयर थीसिस की शक्ल में मिले, चाहे आप प्रोजेक्ट करें, चाहे आप इंटर्नशिप करें, तो इस तरह ये भी आप फ्यूचर की डिग्री में करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल साइकोलॉजी है या इवन के कंप्यूटर साइंस है या केमिस्ट्री है जो भी, उसमें देखेंगे कौन कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, रिसर्च आपने जाके करें तो रिसर्च के टूल्स हैं, जो भी वो सॉफ्टवेयर है वो कोशिश करें कि आप पहले से यहाँ पे लर्न कर लें, ताकि जब आप जाएं तो सिस्टम से भी फैमिलियर हो और आपको पता हो कि अच्छा पेपर लिखना है तो रेफरेंसिंग कैसे करनी है, जर्नल्स हैं तो कौन कौन से जर्नल्स अच्छे हैं और उनके आर्टिकल पढ़ने, ये हमारे लोगों को ज्यादा पता नहीं होता और फिर वो बिल्कुल इस समय लेकर जीरो से स्टार्ट करना होता है। थैंक यू सो मच कामरान, एक सवाल मेरे पास और है, आप न्यूज देखते हो मेरा ख्याल है मुझसे ज्यादा बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस वक्त, तो आप तो कुछ दिन दो तीन दिन से अंडर कंट्रोल है, पीछे पिछला जो महीना गुजरा ये काफी टफ रहा है, काफी स्प्रेड कर गया, लेकिन इसमें यह है कि अभी उन्होंने कोई जो इंटरनेशनल फ्लाइट थी बिल्कुल बंद नहीं किया, आ जा रहे हैं बहुत कम है तादाद, तो आने जाने का लाइफ अलबत् वहाँ पे टफ है, मुकम्मल लॉकडाउन है और कोई मुश्किल से होता है। बहुत शुक्रिया मैम आपका टाइम, थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए। इंडिपेंडेंट के साथ इस वक्त इतना ही, अल्लाह हाफिज़।